आज हम व्हाइट पास्ता बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले व्हाइट सॉस तैयार करेंगे और उसमें सॉटे वेजिटेबल्स डालेंगे और फिर बॉइल्ड पास्ता डाल के और ये डिलीशियस सा क्रीमी पास्ता तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 सिंपल स्टेप्स में ये क्रीमी व्हाइट पास्ता बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना होगा, तो उसके लिए मैंने लिया है 2 ग्लास पानी और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच नमक, अच्छे से मिक्स करके और अब हम इसमें डाल देंगे पैन पास्ता। यहाँ पे 1 कटोरी लिया है मैंने। बस अब इसको धीमी आंच पे धीरे से पकाएंगे जब तक कि ये इस तरह से अच्छे से पक जाए। आप ध्यान रखें कि पास्ता को ओवरकुक ना होने दें, बस जब वो इस स्टेज पर हो तो उसे एक स्ट्रेनर पे ट्रांसफर कर दें ताकि जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। पास्ता स्टिकी ना हो उसके लिए यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बटर और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और पास्ता को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम सब्जियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक वो हल्का गोल्डन हो जाए। अब इसमें प्याज डाल देते हैं, यहाँ पे प्याज को क्यूब्स में कट किया है मैंने और कैप्सिकम, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी गाजर और सभी को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो इसमें जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं अपने चॉइस की। तो यहाँ पे मैं कुछ और सब्जियां भी डालूंगी, फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली 1/4 कटोरी और उतनी ही मैंने मशरूम ली है तो उसको भी इसमें डाल देते हैं। इस पास्ता को हम व्हाइट सॉस में बना रहे हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी सब्जियां ऐड करी हैं क्योंकि सब्जियों में होता है बहुत सारा फाइबर। अब इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे मैं, और अच्छे से मिक्स करके अब इन सब्जियों को हमें थोड़ा सा पकाना है तो उसके लिए हम 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को ढक के रख देंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं इसको। तो सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब इन सब्जियों को हम अलग से निकाल के रख देंगे। अब उसी पैन में हम बनाएंगे व्हाइट सॉस, तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच बटर। मेल्ट होने पर इसमें मिलाएंगे हम मैदा, यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला है मैंने, और उसको धीमी आँच पर हल्के हल्के चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो ये मैदा है इसका कलर एकदम चेंज ना हो, बस हल्का सा ये इस तरह से क्रीमिश हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे उतना ही दूध डाल रही हूँ मैं जितना हमने पास्ता लिया था। अब इसको लगातार चलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना बने। आप एक विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये व्हाइट सॉस बिल्कुल स्मूथ बने। इसमें हम डाल देते हैं नमक 1/2 चम्मच, पास्ता सीजनिंग 1/2 चम्मच और चिली फ्लेक्स। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती हैं इस सॉस को। सब चीज़ों को एक अच्छे से मिक्स दे देते हैं और धीमी आंच पे हल्के से इस सॉस को बॉईल होने देंगे। जब ये हल्का सा बॉईल होने लगे तब हम इसमें डालेंगे जो सॉटे वेजिटेबल्स हमने रखी हुई हैं अलग से, उसमें डाल देते हैं। और जो भी काम आप करें इस समय फटाफट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है सॉस। तो अगर आपको लगता है कि ये थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध इस स्टेज पर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया है और अब ये जो सॉस है ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस स्टेज पे हम एक चीज़ डालेंगे इसमें, वो है विनेगर 1 बड़ी चम्मच और अच्छी तरह से इसको एक मिक्स दे देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी और एकदम स्मूथ सॉस बनके तैयार है। अब हम इसमें पास्ता मिला देते हैं और बढ़िया सा इसको एक मिक्स दे देते हैं और इसको इसी स्टेज पर आप सर्विंग के लिए निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ये पास्ता की बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ नहीं किए हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस रेसिपी में यूज़ किए हैं वो बहुत ही इजीली घर पे मिल जाते हैं। आप सर्व करते समय इसमें डालें थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो सीजनिंग। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।